सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में एनडीए ने सीट बंटवारे में सब कुछ तय कर लिया है, मगर दो राज्यों की 88 सीटों ने उलझन बढ़ा दी है। बैठकों का दौर चल रहा है, अलग अलग फॉर्मूलों पर बात हुई है, लेकिन असमंजस है कि बना हुआ है। हालांकि जल्द ही सब कुछ सुलझने का दावा किया जा रहा है, लेकिन पेच कहां फंसा है और कैसे कोशिशें की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। बार एनडीए सरकार हमारा ये देश भारत और एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत चुनाव में जा रहा है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। बीजेपी के दो बड़े नेता देश के दो बड़े राज्यों में एक ही दिन पहुंचे। सबसे खास बात यह है कि इन दोनों ही राज्यों में एनडीए सीट बंटवारे को लेकर उलझन में है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जबकि बिहार में 40 सीटें हैं। कुल मिलाकर दोनों राज्यों में 88 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ रही है और अभी तक सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। कल देर रात तक गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक की। सुबह भी गृह मंत्री शाह ने सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा की। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की ओर से सीट बंटवारे के दो फॉर्मूले सहयोगी दलों को सुझाए गए हैं। पहले फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा 26 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को 18 और एनसीपी अजित पवार खेमे को 4 सीटें दी जा सकती हैं। दूसरा फॉर्मूला भी दिया गया है, जिसके तहत बीजेपी 28, शिवसेना 16 और एनसीपी 4 सीटों पर लड़ सकती है। सीट बंटवारे के इस संभावित फॉर्मूले पर मुहर लगेगी या नहीं, इस पर फिलहाल औपचारिक ऐलान का इंतजार है। तीनों गुट के जो है हमारे प्रमुख लोग जो है वो बातचीत भी चल रही है, अब बहुत जल्दी जो ये फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बैठकों के जरिए समाधान निकालने की कोशिश है। जेडीयू की एनडीए में वापसी के बाद समीकरण बदले हैं, ऐसे में नए सिरे से मंथन किया जा रहा है। पहले बीजेपी के लिए राह आसान थी, लेकिन अब गठबंधन में किसे कितनी सीट दी जाए, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। Z News.